अरविंद केजरीवाल के बादशाहपुर विधानसभा पहुंचते ही लाखों की संख्या में पहुंचे लोग, लगाया अरविंद केजरीवाल जिंदाबाद का नारा। जी हां, आपको बता दें कि बादशाहपुर विधानसभा से आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार वीर सिंह के समर्थन में आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल पहुंचे। वहां अरविंद केजरीवाल ने लोगों को संबोधित भी किया और जनता खूब अरविंद केजरीवाल के नामों का जिंदाबाद का नारा लगाते हुए दिखी। जी हां, आपको बता दें कि जेल से निकलने के बाद अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था, जिसके बाद अरविंद केजरीवाल हरियाणा के विधानसभा चुनाव के लिए अपना पूरा दमखम लगा दिए हैं। इसी दरमियान अरविंद केजरीवाल बादशाहपुर विधानसभा पहुंचे, जहां पर वो वीर सिंह के लिए वोट मांगते हुए दिखाई दिए। इस दरमियान अरविंद केजरीवाल के स्वागत में नू विधानसभा के प्रत्याशी रवीना कडवाई और गुड़गांव विधानसभा के प्रत्याशी डॉक्टर निशांत आनंद भी दिखाई दिए। लोगों के उत्साह को देखकर यह अंदाजा लगाया जा रहा है कि आम आदमी पार्टी इस बार हरियाणा में अच्छा प्रदर्शन करते हुए दिखाई देगी। लोग दिल्ली और पंजाब की तरह हरियाणा में भी आम आदमी पार्टी की सरकार लाने के लिए आम आदमी पार्टी को समर्थन देते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब आइए सुनते हैं कि अरविंद केजरीवाल ने आखिर लोगों को संबोधित करते हुए क्या कुछ कहा है। आज आपसे ये विश्वास लेने के लिए आया हूँ कि बादशाहपुर की सीट आम आदमी पार्टी की सीट आनी चाहिए, ताकि बादशाहपुर के अंदर खूब विकास हो सके। एक बार हाथ खड़े करके बता दो कि बादशाहपुर की सीट जिस दिन नतीजे आएंगे सबसे पहली सीट बादशाहपुर की आनी चाहिए। आपके यहाँ पे कई सारी समस्याएं हैं, पानी की निकासी की समस्या है। मैं अभी आया, सड़कें जैसे ही हाईवे से नीचे उतरे सारी सड़कें टूटी पड़ी है। सड़कें तो बनवा देंगे हम, बनवा देंगे कि नहीं? सड़कें बनवा देंगे। पानी, बरसात आती है सारी सड़कें भर जाती है, 5 मिनट की बरसात में सारी सड़कें भर जाती है। पानी की निकासी का इंतजाम कर देंगे, बच्चों के लिए रोजगार का इंतजाम कर देंगे। ये मैं अभी बैठा था, ये बता रहे थे डेवलपमेंट चार्ज बढ़ाते ही जा रहे हैं, वो भी खत्म कराएंगे, कम कराएंगे। यहाँ पे जितने सफाई कर्मचारी हैं, सफाई कर्मचारियों को ठेकेदारी के तहत कागजों में कुछ लिखते हैं, हाथ में कुछ रखते हैं, ये प्रथा खत्म करेंगे। आपको जो आपकी असली तनख्वाह है वो आपको दिलवाई जाएगी। और भी बहुत सारे मुद्दे हैं, मैं तो एक ही बात कहूँगा, असली आदमी को, ईमानदार आदमी को चुनो, जितनी भी समस्याएं होंगी सारा समाधान करेगा। और बीरू सरपंच आपके बीच का आदमी है, समाज सेवा के खूब काम करते हैं, गांव-गांव में जाते रहते हैं, इतनी कन्याओं का विवाह करवाया, अपने पैसे से इन्होंने कितने स्कूलों में क्लासरूम बनवाए, इन्होंने अपने पैसे से अभी बता रहे थे 20,000 माँ बहनों ने इनको राखी बांधी है। ऐसे ही तो कोई राखी नहीं बांधती। तो ऐसे व्यक्ति को वोट दो जो आपके बीच में रहता है, ऐसों को वोट मत देना जो आपकी वोट लेने के बाद 5 साल में शक्ल दिखाते हैं। तो सुना आपने किस तरह अरविंद केजरीवाल ने बादशाहपुर के लोगों से वादा किया है कि अगर आम आदमी पार्टी की सरकार बनती है तो उन्हें काफी सारे काम देखने को मिलेंगे। फिलहाल आप इस खबर के बारे में क्या सोचते हो, समझते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और इसी तरह की खबर देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके लिए न्यूज़ रूम से अमन बड़ियार की रिपोर्ट।